दोस्तों आम ग्रहों जैसा ग्रह है, पर जब अच्छा होता है तो आउट ऑफ द वे जाके अच्छा करता है। कभी खराब आ गया तो खराब भी इसी तरह से करता है। पर ज्योतिष की भाषा में हम शनि को जज कहते हैं, मजिस्ट्रेट कहते हैं, गलत जानबूझ के कभी नहीं करता। जे हमें सुधारने के लिए, हम सुधर जाएं, हम इम्प्रूव हो जाएं, हम बढ़िया हो जाएं, हमें दुख का सुख का फ़र्क पता चले, दुश्मन का दोस्त का फ़र्क पता चले, धूप का छाया का फ़र्क पता चले, हमारी ईगो दूर हो। कभी कभी व्यक्ति धन के नशे में, सत्ता के नशे में इतना चकनाचूर हो जाता है कि उसको दूसरे लोग ही नहीं दिखाई देते। जिस सीढ़ी से वो चढ़ के गया होता है ऊपर, वो फर्स्ट स्टेप को ही भूल जाता है, तो शनि फिर याद दिलाता है। दोस्तों शनि फिर आपको बताता है कि नहीं, तू जिन लोगों को भूल गया था वो लोग फिर तुम्हारे लिए खड़े हैं, वो लोग फिर साथी बनते हैं आपके। और ऐसा पढ़ना आपने भी देखा होगा कि जब बुरा वक्त आता है तो जो हमारे पुराने साथी होते हैं, पुराने रिश्तेदार होते हैं, वही हमारे फिर काम में आते हैं। और जो हमारे सुखों के कारण हमारे साथ आगे होते हैं, सब छूट जाते हैं। और शनि क्या क्या करता है? शनि हमारा शत्रु नहीं है, हमारा मित्र है। शनि सच में बहुत अच्छा जज है। शनि हमारा बहुत बड़ा हितैषी है, जो हमें रियलिटी में ले आता है, हमें भ्रमों से दूर करता है। और कैसा है शनि आपके लिए, कैसा हो सकता है, इसी चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ अपर्णा जी के साथ। स्वामी जी, हम जब इस प्रोग्राम में बात करते हैं तो हमारे ख्याल से जो दर्शकगण हैं उनके अंदर बड़ा कौतूहल रहता है, बहुत जिज्ञासा रहती है कि आखिर उनके जीवन में क्या होगा। और वो कई बार कुंडली को लेकर या ग्रहों की चाल को लेकर बहुत उत्सुक रहते हैं जानने के लिए। लेकिन आप हमेशा एक बात कहते हैं कि यदि आप अंदर से स्पिरिचुअल है तो बाकी सारी चीज़ें बहुत छोटी हो जाती हैं। बावजूद इसके हम जानना चाहेंगे, लोगों के एक जिज्ञासा को शांत करना चाहेंगे कि जो शनि का प्रभाव है वो जैसे एक जज की तरह है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, वो हमेशा ये शिकायत करते हैं कि उन्होंने तो जीवन में किसी का कुछ बुरा किया ही नहीं है, फिर भी उन्हें दंड क्यों मिल रहा है, उन्हें सज़ा क्यों मिल रही है, जबकि उन्होंने तो सबका अच्छा ही किया है। अगर एक रोटी उनको भगवान ने दी है, उसमें से भी आधा शायद दूसरे को देकर आधा खाया है, फिर उनके साथ ऐसा क्यों? इसके लिए थोड़ा बेटा हमें पीछे जाने की ज़रूरत होगी। हमें लगता है कि हमने किसी का गलत नहीं किया, पर ज्योतिष विज्ञान जो है, जहाँ जो हमारी जन्म कुंडली है, वो हमारे जो पूर्व जन्म के ग्रह हैं, जो हमारे पूर्व संचित कर्म हैं, उन्हीं का बायोडाटा है। हम जो पास्ट में करके आए हैं तो उन्हीं का फल देते हैं। जैसे कह लें कि जन्म कुंडली एक प्रतीक है, पर हमने जो किया हुआ उसी का फल देने वाली है। और जो हमारा ये जन्म है, इस जन्म में अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे जो अच्छे ग्रह हैं बेटा और बढ़िया हो जाते हैं, और जो खराब ग्रह हैं और छोटे हो जाते हैं। आप ऐसा सोचें कि अगर आप ऐसा नहीं करते होते तो फिर कितना बड़ा आपके साथ गलत होता, फिर आपके कितने कष्ट और बढ़ जाते। और दूसरी बात, जो हमारी जन्म कुंडली है उसको हम ऐसा कह सकते हैं, मुझे कैमरे से देख के याद आया कि जैसे एक फोटोग्राफर आपकी पिक्चर लेता है, और जो नेगेटिव है उस नेगेटिव को चेंज करना बड़ी कठिनाई की बात है। आज साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, आपके चेहरे को मोटा ताज़ा बड़ा बना देता, उसके साथ जोड़ देता, उसके साथ जोड़ देता, पर जो रियल जानकार है वो बता देता है कि इसको नहीं, इस ये नेचुरली है या इसको तोड़ मरोड़ के बनाया गया है, कितना भी कुछ होता है। तो जो हम रियल हैं उसको चेंज नहीं कर सकते। तो हमारी जो जन्म कुंडली है एक ब्लू प्रिंट जैसी है, हमें कुछ ना कुछ तो भोगना ही होगा जो रियल है, पर हम अपने कर्म से, अपनी बुद्धि से, अपने मंत्र जाप से, साधना से उसको बहुत बढ़िया कर सकते हैं।